मैंने आप सभी को एक वीडियो बनाया था जो राशन कार्ड ऑनलाइन करने के लिए, जिसमें आपको मैंने शुरू पर बनाया था, उसमें उसके अनुसार अब डिटेल बहुत सारा चेंज हो गया है। चेंज होने के बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, साथ ही साथ में कैसे अप्लाई करना है, उन सभी का डिटेल मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल आप सभी को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पहले इस वाले वेबसाइट पर चले आना है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ पर ये वेबसाइट है और आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर इंपोर्टेड लिंक यहाँ पर दिया गया है। इंपोर्टेड लिंक में यहाँ पर आपको आना है आरसी ऑनलाइन, और इसमें आपको लिखा है अप्लाई फॉर ऑनलाइन आरसी, तो इस पर आपको एक बार क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से ऑप्शन आएगा। यहाँ पर ऑप्शन आने के बाद आपको यहाँ पर आईडी और पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा। आईडी और पासवर्ड बनाने के बाद इस वाला कैप्चा इस वाला बॉक्स में फिलअप करना, इसके बाद लॉगिन करना है। तो पहले आपको आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए आपको टू रजिस्टर क्लिक हेयर पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ से क्लिक करके शो कर देता हूँ। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से पेज ओपन होगा, और ओपन होने के बाद यहाँ पर पहले आपको एप्लीकेंट का नाम डालना है, यानी आप जिनके नाम से ऑनलाइन राशन कार्ड कराना चाहते हैं उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे। उनका नाम फिर से यहाँ पर टाइप करेंगे, ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा या हिंदी में टाइप भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे एप्लीकेंट का, और इसके बाद एप्लीकेंट का यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद ये वाला कैप्चा डालेंगे इस बॉक्स में, और इसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर डिटेल फिल करके आगे का प्रोसेस शो कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर डिटेल सारा फिल कर चुका हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको गेट ओटीपी सेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर तो मैं यहाँ पर कैप्चा नहीं फिल कर किया था, इसलिए यहाँ पर कैप्चा मांग रहा था। यहाँ पर गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर आपको एक ओटीपी मांगा जाएगा, जो आप मोबाइल नंबर दिए होंगे उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। इस पर आपको यहाँ पर ओटीपी डालना है, इसके बाद यहाँ पर ये वाला कैप्चा इस बॉक्स में डालना है, इसके बाद वैलिडेट पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर डिटेल फिल कर चुका हूँ। फिल करने के बाद इस तरह से कैप्चा आप डालेंगे, जिस तरह से आपको कैप्चा यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसी तरह से यहाँ पर कैप्चा को डाल लेंगे। तो चलिए मैं डाल चुका हूँ। इसके बाद वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कैंडिडेट का यहाँ पर आधार नंबर फिलअप करना है, जो कैंडिडेट है उनका, यानी कि जो एप्लीकेंट है उनका आधार नंबर। इसके बाद स्टेट यहाँ सेलेक्ट है, यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर पिन कोड डालेंगे। इसके बाद आपको पासवर्ड यहाँ पर बनाना है, और यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड यानी दोबारा पासवर्ड को टाइप करके ये वाला कैप्चा बॉक्स इसमें फिलअप करना है। इसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर डिटेल सारा फिल कर चुका हूँ। इसके बाद रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो आपको इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के क्या करना है कि कॉपी कर लेना है, या तो आप फोटो खींच के रख लेंगे, या तो मोबाइल पर आपको ओटीपी चला जाता है या रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड चला जाता है। इसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको नीचे आना है, और यहाँ पर एक आपको सेक्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर बैक टू लॉगिन, तो आपको इसी पर वाला पर क्लिक कर लेना है। आपको बैक चले जाएंगे, और यहाँ पर जो आपका मोबाइल पर आईडी और पासवर्ड गया होगा यहाँ पर आईडी डालेंगे, यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, इसके बाद ये वाला कैप्चा इस बॉक्स में डालेंगे, इसके बाद लॉगिन करेंगे यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको लॉगिन करके शो कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर आईडी और यहाँ पर पासवर्ड फिलअप कर चुका हूँ। इसके बाद लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक करें, यहाँ पर आप लॉगिन हो जाएंगे। इस तरह से आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ एक होम पेज और एक यहाँ पर अप्लाई, तो अप्लाई वाले सेक्शन पर आना है, और यहाँ पर पहले आप देख लेंगे कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लगने वाले हैं, यहाँ पर आपको सारा जानकारी दिया गया है, जैसा कि आपको दिखाया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर स्कैन फोटो ऑफ आधार और सेल्फ स्टेटेड, यानी कि आधार कार्ड पर आप सिग्नेचर होना चाहिए आपका, जिस कैंडिडेट का है, यानी कि जिस कैंडिडेट का आप अप्लाई कर रहे हैं उस कैंडिडेट, और साथ साथ में जो मेंबर होंगे उन सभी का आधार कार्ड लगेगा। तो यहाँ पर आधार कार्ड में सभी का सिग्नेचर होना ज़रूरी है, जो मेंबर होंगे उनका ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर स्कैन ऑफ फर्स्ट पेज बैंक पासबुक, यानी कि जो मेंबर होंगे उनके यहाँ पर बैंक पासबुक लगेगा और उस पर भी सिग्नेचर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर रेसिडेंस सर्टिफिकेट लगेगा, यानी कि जो मेंबर होंगे उनका यहाँ पर रेसिडेंस सर्टिफिकेट लगेगा, यानी कि सभी का, यहाँ पर मेंबर का केवल रेसिडेंस सर्टिफिकेट, उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। स्कैन ऑफ फैमिली ग्रुप ऑफ फोटो, यानी कि एक फैमिली ग्रुप का फोटो होना चाहिए, और एक यहाँ पर स्कैन ऑफ एप्लीकेंट सिग्नेचर फोटो, यहाँ पर फोटो पर सिग्नेचर होना चाहिए, और यहाँ एक सिग्नेचर भी होना चाहिए साथ साथ में, जो एप्लीकेंट होगा उनका सिग्नेचर। यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि जो दिव्यांग हैं उनका सर्टिफिकेट डालेंगे, अगर नहीं होंगे तो छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट देना है, जो यहाँ पर कैंडिडेट है, जो मेन मेंबर हैं जिनके नाम से अप्लाई हो रहा है उनका यहाँ पर सभी डिटेल ये सब चाहिए, और जो मेंबर बनेंगे यानी कि जो साथ में नाम जिनका जिनका जुटेगा उनका केवल यहाँ पर आधार कार्ड चाहिए, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट। इसके बाद यहाँ पर आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट देना है, जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा उस पर भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, जो मेंबर होंगे उनका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगा। दस्तावेज बैंक पासबुक प्रथम पृष्ठ, और यहाँ पर प्रत्येक सदस्य का आधार और आवासीय प्रमाण पत्र प्रमाणित फोटो कॉपी एक ही दस्तावेज में मिलना जरूरी है, यानी कि देना है।
तो चलिए मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट के बारे में सारा डिटेल बता दिया हूँ, किनका किनका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। और यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है अप्लाई का, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको एक बार क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू अप्लाई का ऑप्शन है, यहाँ पर न्यू अप्लाई करने के बाद यहाँ पर रूरल एंड अर्बन, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो रूरल पर सेलेक्ट करेंगे और शहरी क्षेत्र से होंगे तो अर्बन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, यहाँ पर रूरल पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको पेज इस तरह से आएगा, तो आपको रिफ्रेश कर लेना है, दोबारा से यहाँ पर लॉगिन करना है। चलिए मैं दोबारा से लॉगिन कर लेता हूँ। दोबारा से लॉगिन करने के बाद आपको पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से पेज ओपन होने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जितने भी आपका डिटेल पिछली बार आपने फिलअप किया वहाँ तक आपको शो करेगा। यहाँ पर अनुमंडल का नाम, यहाँ पर ब्लॉक का नाम और यहाँ पर पंचायत का नाम, यहाँ पर गाँव का नाम अपना सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर अपना सारा डिटेल यहाँ पर दिया गया है, सभी डिटेल। यहाँ पर आप अपने पिता का नाम लिखेंगे और यहाँ पर पिता या पति का नाम हिंदी में लिखेंगे। इसके बाद आपको नीचे आना है थोड़ा सा, और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एक सेक्शन है, दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर आपको आने के बाद इस तरह से आपको डिटेल देखेगा, और डिटेल देखने के बाद यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस लिखना है, जो आपका एड्रेस है। इसके बाद यहाँ पर लिंग सिलेक्ट करना है, मेल या फीमेल, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसके बाद यहाँ पर वैवाहिक स्थिति, आपको शादी हुआ है कि नहीं। इसके बाद कार्डधारी से संबंध आपका क्या है, और यहाँ पर जाति यहाँ पर डालेंगे, कौन सी कास्ट के हैं। यहाँ पर आप क्या आप काम करते हैं उसका लिखना है, यहाँ पर उस काम से कितना आय होता है। इसके बाद महीना में कितना आय मिलता है, और यहाँ पर आय सर्टिफिकेट का नंबर डालना है, जो आय सर्टिफिकेट आपका हुआ, जो मेंबर होंगे। इसके बाद यहाँ पर आधार नंबर पहले से ऑलरेडी एग्जिट है। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डाला हुआ है, यहाँ पर विकलांग होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद बैंक का नाम लिखेंगे, जो भी बैंक का नाम है। इसके बाद यहाँ पर आपको बैंक का शाखा का नाम चूज करेंगे यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर आपको IFSC कोड यहाँ पर डाल लेना है, अगर आपका IFSC कोड बैंक पर होगा उस पर आपको डालना है, बैंक के पासबुक पर होगा। इसके बाद यहाँ पर खाता नंबर यानी कि बैंक का अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पर सबमिट करना है। तो चलिए मैं इतना डिटेल फिल करने के बाद आपको सारा डिटेल शो कर देता हूँ। अगर यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ तक मैंने आपको डिटेल फिल कर दिया है, और मैंने डिटेल भी आपको बताया था क्या क्या डिटेल कैसे भरना है। मैं यहाँ पर सारा डिटेल भर चुका हूँ। जो भी डिटेल यहाँ पर भरना है अभी मेंबर का ही भरना है, केवल जो मेन कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेट का यहाँ पर केवल भरना है। अभी मेंबर ऐड करने के लिए मैं अगला प्रोसेस बता रहा हूँ, इसके लिए अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पर पूरा डिटेल पहले डिटेल फिल कर लीजिए, इसके बाद आगेगा प्रोसेस पर जाइए। यहाँ पर चलिए अब सबमिट का सेक्शन है, मैं यहाँ सबमिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सबमिट सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी भी दे दिया है। इसके बाद यहाँ पर ओके करना है। ओके करने के बाद आपको अब मेंबर ऐड करना है। तो मेंबर ऐड कैसे करना है उसका यहाँ पर अब धीरे धीरे आएंगे। यहाँ पर लिखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि राशन कार्ड के अन्य सदस्य, यानी कि अब यहाँ पर मेंबर का नाम जोड़ना है, यानी कि जो भी मेंबर होंगे उनका यहाँ पर अब नाम जोड़ना है। यहाँ पर लिखा हुआ है अन्य सदस्य, यानी कि जो भी नाम है, तो यहाँ पर उस मेंबर का नाम लिखें जिसका आप ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पर इंग्लिश के बाद हिंदी में यहाँ पर लिखेंगे इसको, उनके पिता या पति का नाम अगर जैसे आप अपने अनुसार भरेंगे, यहाँ पर हिंदी में पिता या पति का नाम। इसके बाद यहाँ पर लिंग, इसके बाद जन्मतिथि, इसके बाद एज यहाँ पर शो कर देगा, इसके बाद विवाहित हैं या अनविवाहित हैं, इसके बाद कार्डधारी से संबंध क्या है उनका, इसके बाद आधार नंबर उनका डालना है, जो मेंबर हैं उनका ऐड करेंगे, यानी कि जिनका नाम आप जोड़ना चाहते हैं। जो अब कैंडिडेट का यहाँ पर नाम नहीं डालना है, अब कैंडिडेट का पहला वाला नाम ऐड हो गया है। अब जो जुटेंगे साथ में जो नीचे, जैसे कि मान लीजिए हम कैंडिडेट हैं खुद का, तो हमारे नीचे जो भी मेंबर हैं तो उनका यहाँ पर ऐड होगा। इसके बाद यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर डालेंगे, इसके बाद यहाँ पर व्यवसायिक यहाँ पर डालेंगे, सरकारी कर्मचारी या क्या है, इसके बाद स्रोत उसका डालेंगे, इसके बाद मासिक आय कितना है, इसके बाद विकलांग है या नहीं। इसके बाद यहाँ पर अगर और जोड़ना चाहते हैं, जितने भी व्यक्ति का जोड़ना चाहते हैं, यहाँ पर ऐड मेंबर पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं इतना डिटेल फिल कर ली करके आपको शो कर देता हूँ। तो मैं यहाँ तक सारा डिटेल फिल कर चुका हूँ, जैसे यहाँ पर कैंडिडेट का नाम जिनका जोड़ना है उनका नाम यहाँ पर, इसके बाद नाम हिंदी में, इसके बाद यहाँ पर उनके पति या पिता का नाम, इसके बाद यहाँ पर हिंदी में पति या पिता का नाम, यहाँ पर महिला या पुरुष अपना ऐड करेंगे, जन्मतिथि, इसके बाद वैवाहिक, मैं आपको डिटेल सारा बता चुका हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप नीचे देखेंगे जिनका जुड़ा हुआ है, यानी कि जो मेंबर हैं उनका यहाँ पर, यानी कि जो मेन मेंबर हैं उनका यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जिनका ऐड करना है, आप यहाँ पर सभी डिटेल इस तरह से फिल करके, फिल करने के बाद यहाँ पर ऐड मेंबर पर क्लिक कर लेंगे। एक बात और ध्यान देंगे, यहाँ पर मैं यहाँ पर एक आधार कार्ड यहाँ पर मेंबर का ऐड कर रहा था, तो वहाँ पर मुझे एक क्लू पता चला कि यहाँ पर जैसे आप जिस कैंडिडेट का अगर किसी आधार कार्ड में अगर नाम जुटा हुआ होगा तो उनका आपको इस तरह से शो करेगा। यहाँ पर जैसे आप ऐड मेंबर पर क्लिक कीजिएगा उन कैंडिडेट का, जिन कैंडिडेट का आप नाम जोड़ना चाहते हैं मेंबर के रूप में, तो उनको यहाँ पर अगर पहले से किसी राशन कार्ड पर अगर नाम अगर होगा तो उनका पहले ही इस तरह से लिखेगा, योर आधार ऑलरेडी एग्जिट फॉलो स्टेट बिहार औरंगाबाद, यानी कि आपका
जो भी आधार कार्ड में पहले से नाम अगर ऐड होगा, अगर आप न्यू अप्लाई के लिए करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी का शादी हो जाता है तो पहले से अगर मायके में उनका नाम ऐड रहता है राशन कार्ड पर, अगर उनका शादी हो जाने के बाद अब अपने घर से यानी अपने ससुराल से अगर वो बनाना चाहेंगे राशन कार्ड, तो उनका राशन कार्ड नहीं बनेगा उस स्थिति में। यानी कि उनके मायके में उनका राशन कार्ड पर नाम ऐड है तो वहाँ से नाम हटाने पड़ेगा, तब आपको बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर पहले से ऐड है, इसलिए यहाँ पर ऑलरेडी एग्री लिखेगा। इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि इस तरह का समस्या का सामना ना करना पड़े, तो आप ध्यान देंगे इस बात पर। तो चलिए मैं आगे आपको प्रोसेस बता देता हूँ। तो वहाँ से ऐड मेंबर से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फिर से यहाँ पर अप्लाई वाले सेक्शन पर आएंगे, यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन पर आएंगे यहाँ पर, और इसके बाद नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको मेंबर का नाम ऐड करना होता है, पर मेंबर पर आएंगे। और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आपको, सारा डिटेल जैसे एप्लीकेंट का डिटेल फिल कर चुके हैं, मेंबर का डिटेल फिल कर चुके हैं, जितना जोड़ना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड पे आना होगा। तो यहाँ पर चलिए मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करना है मुझे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड पर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको सारा डिटेल आपको फिल करना है, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, जैसे मैं आपको पहले भी बताया था शुरू वाले वीडियो में, शुरू से ही बताया था। यहाँ पर स्कैन ऑफ आधार कार्ड, जो मेन कैंडिडेट होंगे उनका आधार कार्ड डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको बैंक का पासबुक डालेंगे फर्स्ट पेज, इसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र, इसके बाद यहाँ पर फैमिली फ़ोटो डालेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर डालना है, इसके बाद यहाँ पर अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तो डालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर आय प्रमाण पत्र डालेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको एक जाति प्रमाण पत्र डालना है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र डालना है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या करना है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर यहाँ डालना है, इसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट स्कैन करके डाल लेना है, यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट, इसके बाद यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट डालना है। और यहाँ पर ऊपर में आएंगे तो ऊपर में आपको मेंबर फ़ोटो यहाँ पर लगाया हुआ होगा, जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ से आपको मेंबर फ़ोटो डालना है। तो यहाँ पर आप आएंगे और इस पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक मेंबर फ़ोटो लगाना है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, यहाँ पर मेंबर फ़ोटो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको डिटेल फिल करके आगे का शो कर देता हूँ। और डिटेल फिल करने के बाद जो भी डिटेल आपको लगाया है, यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करते जाना है, इस वाले पर, सभी बॉक्स पर जो जो डिटेल अभी तक आपने फिल किया है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ बनाने के लिए बताता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा इस वाले पेज पर, और आपको जेपीजी में आपको हुआ था, जेपीजी से पीडीएफ बनाने के लिए इस वाले लिंक पर चले आएंगे। चलिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसको मुझे पीडीएफ बनाना है, मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर पीडीएफ बनाने के लिए यहाँ पर पहले आधार कार्ड और यहाँ पर रेसिडेंस सर्टिफिकेट और एक बैंक पासबुक यहाँ पर एक ही में लेना है, तो मैं सभी चूज कर लिया हूँ। इसके बाद ओपन करेंगे और यहाँ पर सभी डिटेल यहाँ पर दिखाई दे देगा। इतने सारे मुझे चार पेज का एक में पीडीएफ बनाना है, उसके लिए यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर दिया हूँ। इसके बाद यहाँ पर कन्वर्ट वाले पेज पर क्लिक करूँगा और मेरा यहाँ पर एक पीडीएफ बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मेरा पीडीएफ बन गया, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मेरा पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर शो हो पा रहा है। मेरा यहाँ पर पीडीएफ बन चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरा पीडीएफ एक ही में सभी का हो चुका है। तो इस तरह से अपना पीडीएफ बना लेंगे और पीडीएफ बनाने के बाद अपना सेव कर लेंगे एक फाइल में। तो चलिए मैं यहाँ पर पीडीएफ सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं सेव कर चुका हूँ। इसके बाद आपको फिर से आना है यहाँ पर, ये तो यहाँ पर इसके लिए हो गया। और मुझे अब निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पर पीडीएफ क्रिएट करना है। तो निवास प्रमाण पत्र के लिए पीडीएफ क्रिएट करने के लिए मैं फिर से यहाँ पर आऊँगा और इस वाले पेज से यहाँ से बैक आ जाऊँगा। और निवास के लिए तो बना लिया हूँ, यहाँ पर जाति के लिए और यहाँ पर आय के लिए। तो जाति यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका भी मैं पीडीएफ बना लेता हूँ इस तरह से, और जिस तरह से मैंने आपको बनाकर दिखाया उसी तरह से सभी का पीडीएफ क्रिएट कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर सभी डिटेल यहाँ पर पीडीएफ मैं कर लिया हूँ। करने के बाद मैं यहाँ पर एक फैमिली फ़ोटो डाल लेता हूँ। यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं फोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पर फैमिली फ़ोटो इनका केवल एक ही कैंडिडेट है, इसलिए यहाँ पर एक फ़ोटो मैं डाला हूँ। अगर सभी होंगे तो सभी साथ में यहाँ पर फोटो डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर डाल लेना है। अब रह जाती है बात, यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट क्या सभी को डालना है कि केवल एक ही मेंबर का डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रूफ कि आपको एक ही का डालना है कि सभी का डालना है। मैं यहाँ पर जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया हूँ सभी डॉक्यूमेंट में यहाँ पर टिक लगाना है, जो जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। इसके बाद यहाँ पर अपलोड वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर अपलोड कर लिया हूँ। अपलोड हो जाने के बाद आपको इस तरह से पेज दिखाया जाएगा, नीचे यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुल हो जाएगा। अब क्या है, गो टू फाइनल सबमिट पर यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। आपको फाइनल सबमिट करने के लिए आपको आ जाएगा यहाँ पर, जब भी डिटेल जो भी आपने तक फिलअप किया है, यानी जो भी डिटेल अभी तक आपने फिलअप किया है, वो डिटेल आपको सारा डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो जो आपने डिटेल फिलअप किया है। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर नहीं वाली पर सभी अपना अपना यहाँ पर सभी डिटेल पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद यहाँ पर हाँ और ना अपना चेकबॉक्स कर लेंगे। यहाँ से जो भी डिटेल होगा आपका अपने अनुसार यहाँ पर पढ़ेंगे और यहाँ पर टिक लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करके यहाँ पर दिया गया है,
इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट करना है। तो जैसे कि मैं आपको बताया, यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो डॉक्यूमेंट सारा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो भी डॉक्यूमेंट है। इसके बाद यहाँ पर जो टिक लगाना था यहाँ पर टिक लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट लास्ट करना है, यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट कर लेना है। तो चलिए मैं आपको पहले आपको दिखाता हूँ किनका किनका सभी का लगेगा, यहाँ पर जाति निवास आया केवल एक ही का लगेगा। तो यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन पर आएंगे, इसके बाद मेंबर वाले में आएंगे मेंबर ऐड वाले में। इस पर आने के बाद आप यहाँ पर मेंबर में आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए, जिनका अगर आपको यहाँ पर आय प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र चाहिए, यहाँ पर आपको लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर किसी का नहीं है, यहाँ पर सभी मेंबर का नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यहाँ नाम लिखा है मेंबर का, यहाँ पर हिंदी में नाम, इनके पति का नाम या पिता का नाम, अंग्रेजी में हिंदी में, इसके बाद मोबाइल नंबर, आधार नंबर, यहाँ पर राशन कार्डधारी से संबंध, वैवाहिक, यहाँ पर कहीं भी आपको आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र कोई सर्टिफिकेट नहीं, आप यहाँ पर कोई मेंबर का नहीं मांगा है। इसलिए यहाँ पर मैं अपने अनुसार कहता हूँ कि यहाँ पर किसी का यहाँ पर जाति आय निवास मेंबर का नहीं चाहिए, उनका केवल यहाँ पर आपको चाहिए तो यहाँ पर केवल चाहिए उनका आधार कार्ड, और जो मेन मेंबर होंगे उनका सभी का चाहिए जाति निवास आय, और साथ ही साथ में बैंक पासबुक फोटो सिग्नेचर, और वहाँ पर सभी डिटेल इस तरह से लगाना है जो मैं आपको सभी लगाकर दिखाया हूँ। इसके बाद आपको आना है, मैं आपको यहाँ पर सभी कंफर्म कर दिया हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। इसके बाद फिर से मैं आता हूँ यहाँ पर, और अपना आने के बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट कराऊँगा, और यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट कर लेना है। तो यही थी छोटी सी अपडेट। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, अगर डॉक्यूमेंट के बारे में अगर समझ गए होंगे तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सभी व्हाट्सएप ग्रुप के दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।